you beautiful people, welcome back to my channel and my today's video is a review come swatch come comparison between two renowned brand of kajal. जी हाँ, आज के वीडियो में मैं करने वाली हूँ मेबिलिन और लैक्मे काजल का कंपैरिजन प्लस रिव्यू प्लस स्वॉचेस. सो वीडियो को पूरा देखें एंड एज यू कैन सी दैट राइट नाउ आई एम नॉट वेयरिंग एनी काजल एंड हाउ डिफरेंट आई एम लुकिंग फ्रॉम माय प्रीवियस वीडियोस. सो अब आज हम जानेंगे कि कौन सा काजल बेस्ट है हमारे एवरीडे लुक के लिए. One very important thing that if you are new to my channel, don't forget to subscribe and press that bell icon so that you will be updated with all my new videos. So let's start with the video. So this one is Maybelline Colossal Kajal and this one is Lakme Iconic Kajal. And this is a yellow stick and this is a black and turquoise stick. दोनों ही काजल जो है वो कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आते हैं एंड दोनों का प्राइस सेम है. इट कॉस्ट यू ₹180 और क्वांटिटी जो है वो है 0.35 ग्राम्स फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स एंड दोनों जो है वो ट्विस्ट अप पैक में आते हैं लाइक दिस. ऐसे स्टिक बाहर निकलता है लाइक यू कैन सी. बोथ द काजल आर गुड फॉर पीपल यूजिंग कॉन्टेक्ट लेंसेज एंड this colossal kajal is having vitamin E and aloe vera in it, which is a very good thing. As both the kajal claims that they are 12 hours smudge proof and waterproof, so today we will see that whether they are smudge proof or waterproof or not. Now I am going to swatch both of them on my hand and this is Maybelline colossal kajal and this is one swipe of this kajal and now you can see this is Lakme Iconic kajal or ये इसका वन स्वाइप टेस्ट है. बहुत इजीली ग्लाइड हो गए हैं मेरे हाथ पे बट वन स्वाइप जो है वो इतना डार्क ब्लैक नहीं है. इट मींस कि वन स्वाइप से हमारा काम नहीं चलेगा, हमें इस काजल के एक या दो कोट जो है अपने आईज पे लगाने पड़ेंगे. नाउ आई एम अगेन पुटिंग सम मोर काजल सम मोर स्वाइप्स ऑन माय हैंड लाइक दिस. दो या तीन ग्लाइड्स के बाद जो काजल है वो थोड़ा डार्क हो गया है एंड थोड़ा क्लोजली देखेंगे तो जो लैक्मे आइकॉनिक काजल है इट इज मोर ब्लैक देन कोलोसल आइकॉनिक काजल. एज यू कैन सी काजल का कलर जो है वो जेट ब्लैक है, डीपेस्ट ब्लैक है जैसे कि ये लोग क्लेम करते हैं एंड मैंने इसको दो तीन मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ा था एंड नाउ विल डू अ स्वाइप टेस्ट और देखते हैं कि दोनों काजल जो है ये स्मच फ्री है या नहीं है. तो मैं एक लाइट फिंगर टेस्ट करूंगी. एज यू कैन सी दिस इज माई लाइट फिंगर टेस्ट एंड इसमें आप देखिए जो लैक्मे का काजल है थोड़ा सा फेड हो गया है और जो कोलोसल काजल है वो भी थोड़ा सा फेड हो गया है. इट मीन्स कि ये दोनों काजल जो है ये इतने ज्यादा स्मच प्रूफ नहीं है जितना कि ये लोग क्लेम करते हैं एंड आई डोंट थिंक दे विल लास्ट फॉर 12 आवर्स. आई थिंक दे विल ओनली लास्ट फॉर 6 to 7 आवर्स ऑन योर आईज. आई एम गोइंग टू डू द वॉटर प्रूफ टेस्ट ऑन दिस काजल और मैंने फिर से थोड़ा सा काजल अपने हाथ पे लगा लिया है टू स्वाइप्स ऑफ देम और अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ थोड़ा सा वॉटर. एज यू कैन सी आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ वॉटर इन इट और अब हम देखते हैं वेदर दिस काजल विल फेड आउट और नॉट, आर दे वॉटर प्रूफ और नॉट. लाइक यू कैन सी यू कैन सी कि दोनों ही जो काजल है ये थोड़े थोड़े स्मज्ड हो गए हैं वाटर प्रूफिंग टेस्ट के बाद बट जो लैक्मे काजल है वो थोड़ा ज्यादा स्मज्ड हुआ है इन कंपैरिजन टू कोलोसल काजल. तो इट मींस कि जो कोलोसल काजल है वो वाटर प्रूफिंग टेस्ट में बेटर है लैक्मे काजल से. अगर हम कंपैरिजन की बात करें दोनों काजल की तो हमने देखा कि जो लैक्मे काजल है उसका पिगमेंटेशन बेटर है, वो ज्यादा काला है, ज्यादा ब्लैक है बट स्मज टेस्ट और वाटर प्रूफिंग टेस्ट में जो कोलोसल काजल है उसका जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है दोनों काजल के मुकाबले. नाउ आई एम गोइंग टू पुट बोथ द काजल ऑन माई आईज एंड लेट मी सी. दिस वन इज लैक्मे आइकॉनिक काजल. ये इतना इजीली ग्लाइड नहीं हो रहा है मेरे आईज पे, यू कैन सी. लेकिन इसका पिगमेंटेशन जो है वो थोड़ा डार्क है, इट इज मोर ब्लैक, जेट ब्लैक. नाउ Maybelline कोलोसल काजल, यस ये थोड़ा इजीली जो है ये ग्लाइड हो रहा है मेरे आईज पर और लगाने में ये जो काजल है ये बेटर है इन कंपैरिजन टू लैक्मे काजल. नाउ यू कैन सी माय आईज,
सो गाइज एज यू कैन सी नाउ माई लुक इज ऑल कम्प्लीट और बिना काजल के मेरा जो लुक है वो कम्प्लीट नहीं होता है. सो काजल इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज वेरी यूजफुल फॉर मी फॉर एवरी डे मेकअप. एंड अगर हम लैक्मे काजल और कोलोसल काजल की बात करें तो अभी जितने भी टेस्ट हमने लिए जो भी हमने डेमो किया उसके अकॉर्डिंग तो मुझे लगता है कि कोलोसल काजल इज मच बेटर देन द लैक्मे काजल. लैक्मे काजल इज ऑल्सो गुड, इट हैज अ वेरी गुड पिगमेंटेशन. बट अगर हम स्मच की बात करें, वाटर प्रूफिंग की बात करें और सुपर स्टे की बात करें तो आई थिंक कोलोसल काजल इज गुड. इट इज रियली इजी टू वेयर, बहुत इजिली ग्लाइड हो जाता है आपकी आईज पर एंड आई थिंक इट विल बी अ गुड ऑप्शन. फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो आइकॉनिक काजल और कोलोसल काजल का रिव्यू एंड स्वॉचेस. आप मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसे लगा. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ. और अगर आप मुझे कुछ कहना चाहते हैं, आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइए. एंड मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी गाइस. बाय बाय.